सीरीज की शुरुआत पैडी और स्पॉइल नामी बेस्ट फ्रेंड से होती है, जो स्कूल में किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के क्लब में एडजस्ट नहीं हो पा रही थीं। इसीलिए अपना अलग क्लब बनाने की इजाजत लेने टीचर के पास पहुंचती हैं, जहां पहले से ही स्कूल का फेमस लड़का एलन अपने क्लब की इजाजत लेने आया हुआ था। एलन को तो क्लब बनाने की इजाजत मिल जाती है, पर पैडी के ग्रुप में लोग कम होने की वजह से टीचर उसे परमिशन नहीं देती। लेकिन पैडी को यकीन था कि वो लोग जमा कर लेगी, इसीलिए टीचर उसे 2 दिन का टाइम देती है। पैडी अपने ओल्ड म्यूजिक क्लब के मेंबर्स पूरे करने के लिए किसी को रिश्वत देके ग्रुप का हिस्सा बनाती है, तो किसी को दोस्ती का वास्ता देते हुए अपने मेंबर्स पूरे करने में कामयाब हो जाती है। पैडी का बचपन का दोस्त लिफ्ट ऑयल, जो उसे किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता, वो भी इस क्लब का हिस्सा बन जाता है। पैडी के एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मॉम उसे उनके पुराने सॉन्ग्स लगा के सुनाती थी। तभी से पैडी को ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। अगले दिन स्कूल में टीचर पैडी को अपना क्लब खोलने की इजाजत देते हुए रूम की डिटेल्स भी दे देती हैं। पर वहां पहुंच के पैडी को पता चलता है कि उसे और एलन को अपने क्लब के लिए सेम रूम मिला है, क्योंकि अभी उन दोनों के मेंबर्स कम हैं। ये सुन के पैडी का मूड खराब हो जाता है, पर कोई रास्ता ना होने पर उसे वहीं एलन के क्लब के लोगों के साथ एडजस्ट करना था, जो सारे सिर्फ लड़के थे और उनमें से एक स्काई था, जिसे पैडी बचपन से जानती थी। पर दोनों के बीच लड़ाई के सिवा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर नियो की, जो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है और एक अच्छा सिंगर भी। वो पैडी के क्लब का मेंबर बनने आता है, जिससे पैडी स्पॉइल के कहने पर क्लब का मेंबर बना लेती है। इसके बाद ये दोनों क्लब रूम को आधा आधा डिवाइड करके सेटिंग्स करने लगते हैं। तभी एलन के क्लब का एक हॉट लड़का पॉक पैडी की मदद करने आता है। उसे शर्टलेस देख किसी भी लड़की का दिल उस पे फिसल सकता है। ऊपर से वो इतना हेल्पिंग और केयरिंग भी है, जिस पर पैडी को वो अच्छा लगता है। अगले दिन पैडी जब क्लब की चाबी लेने जाती है, तो उसकी मुलाकात एलन के क्लब के एक और मेंबर प्ले से होती है, जो एक प्ले बॉय है, और वो पैडी के साथ फ्लर्ट की कोशिश भी करता है, पर पैडी उसे इग्नोर करती वहाँ से निकल जाती है। क्लब जाके पैडी देखती है कि एलन के क्लब का एक मेंबर गेंट, जो बहुत ज्यादा अमीर है, वो सबके लिए लॉकर्स लेकर आता है, यहाँ तक कि पैडी के क्लब के मेंबर्स के लिए भी ले आता है, क्योंकि वो हर वक्त अपने दोस्तों पे पैसे ही लगाता रहता है। नेक्स्ट सीन में पैडी अपने लॉकर में देखती है कि वहाँ एक आई लव यू का नोट टेडी बियर के फेस के साथ पड़ा है, जिसे देख पैडी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ मौजूद किसी लड़के ने उसके साथ प्रैंक किया है, पर उसमें पूछने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए वो उस नोट को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे लिफ्ट ऑयल उठा लेता है और उससे वो नोट नियॉन पकड़ के सबके सामने ऊंची ऊंची पढ़ने लगता है। कोई भी लड़का उस लेटर को सुन के कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि स्काई हंसते हुए पैडी का मजाक बनाता है कि कोई लड़का उसे कैसे पसंद कर सकता है। इस पर इंसल्ट फील करते हुए पैडी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। स्पॉइल उसके पास आके उसे बताती है कि ये लेटर उसने पैडी के लॉकर में डाला था, कि वहाँ मौजूद सब लड़कों को लगे पैडी रिलेशनशिप में है और सब स्पॉइल को अटेंशन दें। ये सुन के पैडी को स्पॉइल पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। रात को पैडी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, तभी हमें पता चलता है कि उसका दिल बहुत बार टूटा है। बहुत से लड़कों ने उसे मिक्स्ड सिग्नल देते हुए आखिर में फ्रेंड जोन कर दिया, जिस पर अब पैडी लड़कों से दूर रहती है, ताकि उसका दिल कभी ना टूटे। अगले दिन पैडी अपने लॉकर में देखती है कि एक नोट के साथ टेडी भी था, जिस पर गुस्से में पैडी स्पॉइल के पास जाती है, पर इस बार ये स्पॉइल ने पैडी के लॉकर में नहीं रखा था, यानी पैडी को सच में कोई पसंद करता है और वो लड़का उनके क्लब में मौजूद 7 लड़कों में से एक है, क्योंकि क्लब की का उन्हीं को पता है, इसीलिए उनके अलावा रूम में कोई नहीं जा सकता। पैडी जब लिफ्ट की तरफ जा रही होती है, तो स्पॉइल उसे छेड़ते हुए कहती है कि लिफ्ट खुलते ही जो लड़का उसे नजर आएगा वही उसे पसंद करता है। पैडी इसी बारे में सोच रही होती है कि लिफ्ट खुलने पर उसके सामने सारे क्लब के लड़के आ जाते हैं, जिस पर पैडी परेशान हो जाती है। उसे हर हाल में जानना था कि ये मिस्टीरियस लवर कौन है, जिस पर वो और स्पॉइल क्लब में मौजूद सारे लड़के एलन, काय, गेंट, लिफ्ट ऑयल, पॉक, प्ले और नियो पे नजर रखने लगती हैं, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता। सीसीटीवी फुटेज देखने पर भी जैसे ही उस लड़के की शक्ल सामने आती
होती है, लिजर्ड के कैमरा के ऊपर आने पर उस लड़के की शक्ल ब्लर हो जाती है। स्पॉयल जब पैटी से पूछती है कि उसे किस पे शक है, तो उसके हिसाब से लिफ्ट ऑयल नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका कजन फ्रेंड है। पॉक की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, प्ले एक प्ले बॉय है, इसीलिए उसे ये प्ले भी नहीं लगता। नियो उसका जूनियर है, जिस पर स्पॉयल को लगता है कि ये काम एलन, गेंट या स्काई में से किसी का है, पर पैटी को वो इनमें से कोई भी नहीं लगता क्योंकि स्काई से उसकी बनती नहीं। एलन किताबी कीड़ा है और गेंट तो सबके साथ ही अच्छे से बात करता है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए स्पॉयल डार्ट बोर्ड पे सब लड़कों की पिक्चर लगा के पैटी को किसी एक पे निशाना लगाने को कहती है। निशाना पॉक पे लगाने पर पैटी उसके साथ टाइम गुजारने चली जाती है ताकि कोई हिंट मिल सके। वहाँ उसे ये तो पता चलता है कि पॉक का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो अब सिंगल है, पर पैटी को उसकी बातों से ये अंदाजा हो जाता है कि उसे टैटी देने वाला वो नहीं है, जिस पर वो अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ती है, जो डार्ट मारने पर नियो निकलता है। स्पॉयल और पैटी कोई हिंट ढूंढ ही रहे होते हैं कि उन्हें अंदाजा हो सके वो लड़का नियो है कि नहीं। तभी नियो वहाँ आके एक रोमांटिक सॉन्ग लगा के सुनने लगता है, जिसे एक बार फिर स्काई बंद कर देता है। इस बात पे पैटी और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और स्काई की कॉफी पैटी के शूज पे गिर जाती है। घर आके पैटी स्पॉयल को कॉल करते हुए कहती है कि नियो को बेशक ओल्ड लव सॉन्ग पसंद है, पर उसे नहीं लगता कि टैटी देने वाला नियो है, इसलिए उन्हें नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी क्लास में उनकी टीचर उन्हें बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताते हुए कहती हैं कि झूठ बोलते हुए हमेशा इंसान अपनी आईज लेफ्ट साइड पर कर लेता है। इस तरह आपको फौरन पता चल सकता है कि अगला बंदा आपसे झूठ बोल रहा है कि नहीं। क्लास के बाद पैडी जैसे ही अपना लॉकर खोलती है, अंदर महंगे नए शूज पड़े होते हैं, जिन्हें देख वो परेशान हो जाती है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए दोनों अपनी साइकोलॉजी क्लास में मिला लेसन फॉलो करने का फैसला करती हैं, जिस पर पैटी वो शूज पहन के एक एक करती सारे लड़कों के पास जाती है, पर वो सारे लड़के ही उससे झूठ बोलते हैं। पर पैटी स्काई से नहीं मिल पाती, इसलिए उसे लगता है कि उसे शूज देने वाला वही है, जिस पर वो स्काई के घर जाके उसे कॉन्फ्रंट करती है, पर स्काई अपने उसी अंदाज में उसकी बेइज्जती करता है, उसे वहाँ से निकाल देता है। वहाँ से निकलते ही पैटी को उस मिस्टीरियस लड़के का मैसेज आता है, जिससे अगले दिन स्कूल जाके वो स्पॉयल के साथ पढ़ती है। वो ऐड करती है तो उसे उस इंसान की कॉल आने लगती है। कॉल उठाने पर वो तो कुछ नहीं बोलता, पर टीचर क्लास में मौजूद सब लड़कों को अपनी शर्ट पैंट के अंदर करने को कहता है, जिस पर ये दोनों फौरन क्लब पहुँच के देखती हैं कि किस लड़के की शर्ट पैंट से बाहर है। जो एलन निकलता है, पर वो उन्हें बताता है कि पैंट पे बबल लगाने की वजह से उसने शर्ट को बाहर किया हुआ है। अब ये जानने के लिए कि वो लड़का कौन है, ये दोनों वहीं खड़े उस नंबर पे कॉल करती हैं, पर ना तो वहाँ किसी के फोन पे बेल होती है, ना कोई लड़का रिस्पांस देता है। थोड़ी देर बाद नियो पैटी को अपने साथ आइसक्रीम खाने ले जाती है, जहाँ वो बहुत चिपकू हरकतें करता है। साथ ही साथ पैटी को पता चलता है कि उसके फेसबुक पे एक से ज्यादा अकाउंट है, यानी ये वो मिस्टीरियस मैन हो सकता है। पैटी जब स्कूल से घर जा रही होती है, तो गेंट की गाड़ी उसके पास आके रुकती है। थोड़ी देर में बारिश होने वाली थी, इसलिए गेंट उसे लिफ्ट देता है। वहाँ से दोनों पहले एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जिस पर पैटी स्पेशल फील कर रही होती है, पर तभी गेंट उसकी सारी खुशी पानी में उड़ा देता है, ये कहते हुए कि वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ लाता है। अगले दिन पैटी स्कूल पहुँचती है तो उसे फीवर महसूस होता है। तभी वहाँ एलन आ जाता है, जो उसकी तबीयत खराब देख उसका बहुत ख्याल रखता है, यहाँ तक कि उसे क्लब में आराम करने को कहता है, और उस दौरान खुद बाहर दरवाजे पे रहता है कि पैटी को कोई डिस्टर्ब ना करे, जिस पर पैटी को काफी अच्छा लगता है। स्कूल से वापसी पर नियो पैटी के घर आता है, जो अपनी कपल टी शर्ट की प्रमोशन के लिए पैटी से मदद लेता है। इस दौरान में दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। आज का दिन खत्म होने पर पैटी और स्पॉयल को मिस्टीरियस मैन नियो और एलन में से कोई लगता है। पैटी की टीचर उसे एक असाइनमेंट देती है, जिसके लिए वो प्ले से मदद लेती है। असाइनमेंट पूरी होने के बाद पैटी और उसके दोस्त प्ले के कैफे चले जाते हैं, जहां वो गिटार बजाता है। वहां ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से पैटी काबू से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे लिफ्ट ऑयल के साथ बेड पे देखते हैं, जिस पर वो परेशान हो जाती है। फिर लिफ्ट ऑयल
स्पॉइल उसे बताता है कि रात वो और स्पॉइल नशे में काबू से बाहर हो गई थीं और पैटी ने तो प्ले की शर्ट पे वॉमिट तक कर दी थी, जिस पर पैटी सोचने लगती है कि प्ले उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वहीं प्ले उस शर्ट को देख स्माइल करता नजर आता है, जैसे वो पैटी को पसंद करने लग गया हो। यहाँ लिफ्टॉयल पैटी को फुल अटेंशन देता नजर आता है, जैसे कुछ समझाना चाह रहा हो। वहाँ पैटी को उसकी मॉम से पता चलता है कि वो और लिफ्टॉयल बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं, इसलिए उनकी शादी हो सकती है, जिस पर पैटी सोच में पड़ जाती है। फिर उसी रात लिफ्टॉयल और उसकी मॉम इनके घर रहने आ जाते हैं, जहाँ पैटी और वो मजीद टाइम साथ स्पेंड करते हैं। पर पैटी स्पॉइल से मिलके उसे कहती है कि वो नहीं चाहती लिफ्टॉयल मिस्टीरियस गाय हो, क्योंकि उसने कभी भी उसे इस नजर से नहीं देखा। इनके क्लब को 3 मंथ्स हो जाने पर ये लोग पार्टी करते हैं, जहां एलन कुछ नजर नहीं आता क्योंकि उसे बैलून्स फोबिया था, जिस पर सब उसे तंग करने लगते हैं और वो मजीद अपसेट हो जाता है। ये देखते हुए पैटी उसे हौसला देती है, जिसके बाद वो लोग एलन के साथ हुए मजाक का बदला लेने के लिए सबको उसके फोबियाज का सामना करवाते हैं। वहीं एकदम पैटी को सॉन्ग चेंज करते हुए करंट लगता है, जिससे पोक हेरोइक एंट्री देते हुए बचाता है। एग्जाम्स करीब होने पर एलन पैटी की पढ़ाई में मदद करता है, जिसके बाद पैटी उसकी प्ले के डायलॉग्स याद करने में फ्री होके दोनों वॉक पे जाते हैं, जहां एलन को पता चलता है कि पैटी को बोटिंग बहुत पसंद है, इसलिए दोनों साथ बोटिंग करते हैं। उसी दौरान पैटी को स्काई की कॉल आती है, जिससे बहुत सारा खाना फ्री में मिला था, इसलिए वो पैटी को उसके साथ वो खाना खाने के लिए बुला लेता है। वहाँ हम दोनों को पहली बार साथ अच्छे से बात करते और इंजॉय करते देखते हैं। पैटी को पता चलता है कि स्काई उसे जितना भी तंग करे, पर पैटी के अलावा उसकी कोई और फीमेल फ्रेंड नहीं है, यहाँ तक कि उसने आज तक किसी को डेट भी नहीं किया। स्काई उसे बताता है कि उसे अपनी एक फीमेल फ्रेंड पे क्रश है। अब जबकि पैटी के अलावा उसकी कोई और फ्रेंड नहीं, तो ये सुन के पैटी ब्लैंक हो जाती है, जिस पर स्काई कहता है कि जरूरी नहीं आप जिसे पसंद करें उसे डेट भी करें, इसलिए मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। पैटी की पार्ट टाइम जॉब अननोन लोगों के मैसेज आने पर उनका मसला हल करना था। उसी दौरान उसे उस मिस्टीरियस गाय का भी मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है, पर बताने की हिम्मत नहीं रखता। पैटी उसका मसला हल करने के बजाय उसकी लोकेशन पहुँचती है, जो जिम थी, जिस पर उसे पोक पे शक होता है क्योंकि सबसे ज्यादा वही जिम करता है, इसलिए पैटी उस पे नजर रखने के लिए उसके जिम चली जाती है, जहां उसे कोई क्लू नहीं मिलता। उल्टा पोक उससे डर सारी एक्सरसाइज करवाता रहता है। आखिर थक के पैटी वहां से निकल जाती है। जब वो बैठ के खाना खा रही होती है, तभी वहां प्ले आ जाता है, जिसे आज छुट्टी होने पर वो पैटी को अपने साथ चर्च ले जाता है। उसे इतना रिलीजियस देख पैटी उससे काफी इम्प्रेस होती है। घर जाके पैटी जब इन सारे लड़कों के बारे में सोच रही होती है, तो उसे एहसास होता है कि वो सबसे ही कहीं ना कहीं अटैच होती जा रही है, जिस पर वो सोचती है कि उसे जल्द ही मिस्टीरियस गाय को ढूंढ के इस तमाशे को खत्म करना होगा, वरना आखिर में वही नुकसान उठाएगी। वहाँ हम देखते हैं कि सारे लड़के भी कोई ना कोई चीज देखते हुए पैटी को याद कर रहे हैं, यानी वो सारे ही उसे पसंद करने लगे हैं। एग्जाम से पहले पैटी को अपने लॉकर में मिस्टीरियस गाय की तरफ से एक हर्बल ड्रिंक मिलता है, जो बहुत ही गंदे टेस्ट का था, जिस पर पैटी वो ड्रिंक सारे लड़कों को पिला के उनका रिएक्शन नोट करने का फैसला करती है, क्योंकि जिसने वो दिया होगा वो या तो उसे पिएगा नहीं या उसे पीने की आदत होगी, इसीलिए वो अच्छा रिएक्शन देगा। पर ये चाल भी उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि पैटी का दिल रखने के लिए वहाँ मौजूद 6 लड़के उस ड्रिंक को पी जाते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते, जबकि पोक आके उसे पीने पर फौरन बाहर निकाल देता है, जिस पर पैटी समझ नहीं पाती कि बाकी सब उसे कैसे पी गए। आखिर में तंग आके वो खुद ही सब लड़कों को कॉन्फ्रंट करने का फैसला करती है, ताकि ये मिस्ट्री अब जल्द सॉल्व हो सके। पेपर्स के बाद ये सब पार्टी करने जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पॉल सब लड़कों से पैटी के बारे में क्वेश्चंस करती है, पर किसी के भी जवाब से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसमें से मिस्टीरियस गाय कौन सा है। आखिर इस सर्च से तंग आके पैटी मिस्टीरियस गाय के आईडी को ब्लॉक करते हुए स्कूल आके अपने लॉकर पे लॉक लगा देती है, ताकि मिस्टीरियस गाय से उसकी जान छूट सके। पैटी स्कूल जाते वक्त रस्ते में अपने पुराने क्रश से मिलती है, जिसके उसे इतना क्यूट फील करवाने पर पैटी उसे अनब्लॉक कर देती है। दोनों
फिर बात करने लगते हैं और डिनर पे भी मिलते हैं, जिस पर पैडी के अंदर फिर से होप्स जागती हैं। पर फिर उसे पता चलता है कि उस लड़के की शादी हो रही है, जिस पर वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है और स्पॉइल से कहती है कि उसका दिल कहीं दूर फॉरेस्ट में कैंपिंग करने जाने को हो रहा है। रात उसे लेफ्ट ऑयल की कॉल आती है जो उसे स्कूल बुलाता है, जहां इसके सारे दोस्तों ने इसके लिए वहीं कैंपिंग की सेटिंग कर रखी थी ताकि पैडी का मूड अच्छा हो सके। वहीं स्काई को पता चलता है कि पैडी का मूड उसके क्रश की शादी की वजह से ऑफ है, क्योंकि वो स्काई का भी दोस्त था। इस पर वो पैडी को हौसला देता है और शादी पे जाने का भी कहता है ताकि पैडी मूव ऑन कर सके। वहाँ कैंपिंग में ये सब बहुत इंजॉय करते हैं और पैडी का मूड भी अच्छा कर देते हैं। पैडी स्काई के फोर्स करने पर उसके साथ अपने क्रश की शादी में चली जाती है, पर वहाँ वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, जो सब स्काई नोट कर सकता था। फंक्शन में पैडी को अकेला बैठा देख उसके पास जाता है, जहाँ वो उस पे रिवील करता है कि वो उसे सच में पसंद करता था। पर जब वो ये बात उसे बताने आने वाला था, जब स्काई उसके पास आया और स्काई ने उसे बताया कि वो भी पैडी को पसंद करता है, लेकिन उसे सिर्फ पैडी की खुशी से मतलब है। अगर तो वो लड़का उसके साथ सीरियस है तो स्काई पैडी से खुद दूर हो जाएगा, वरना वो लड़का अभी ही पीछे हट जाए। फिर उसे एहसास होता है कि स्काई का प्यार उससे ज्यादा पुराना है, इसलिए उसने पैडी का दिल तोड़ दिया। ऐसा करके उसका दिल खुद भी टूटा, पर उसे लगा इसी में पैडी की भलाई है। ये सब जान के पैडी बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि जो लड़का उसकी लिस्ट में सबसे लास्ट पे था, अब शायद वही मिस्टीरियस गाय है। इस पर अगले दिन पैडी स्काई को कॉन्फ्रंट करती है, तो उसे पता चलता है कि जब उसने अपने क्रश से दिल टूटने पर स्काई की फीलिंग्स का मजाक उड़ा के उसका दिल तोड़ दिया, तब से वो पैडी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। इसलिए पैडी को उसके साथ अब एक्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब स्काई मिस्टीरियस गाय नहीं है। वहीं पैडी को पता चलता है कि लिफ्ट ऑयल पैडी को नहीं बल्कि स्पॉइल को पसंद करता है, तो वो भी उसकी लिस्ट से निकल जाता है। इस सब के बाद वो अपने लॉकर से वापस लॉक हटा देती है ताकि जान सके कि बाकी बचे लड़कों में से मिस्टीरियस गाय कौन है, क्योंकि वो खुद भी उसे पसंद करने लगी थी। इसके साथ साथ वो अब खुद भी मिस्टीरियस गाय के लिए गिफ्ट्स रखने शुरू हो जाती है। जॉब पे पैडी को मिस्टीरियस गाय का मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि अब वो मजीद इंतजार नहीं करेगा और जल्द ही अपने प्यार को बता देगा कि वो कौन है। जो देख पैडी और स्पॉइल दोनों हैरान नजर आते हैं। अगले दिन स्कूल में पॉक आके पैडी को बताता है कि वो ही उसके लॉकर में गिफ्ट्स रखता था, पर पैडी ये जान के उसे कोई रिस्पांस नहीं देती। उसे लगता तो है कि मसला हल हो गया, पर अगले दिन उसे पॉक से पता चलता है कि वो सिर्फ गिफ्ट्स रखता था। उसने पैडी को आज तक कोई मैसेज नहीं किया, यानी मैसेज करने वाला लड़का कोई और है। जो पैडी पे रिवील होता है कि नियो है, वो भी पैडी को बहुत पसंद करता है, और हमें पता चलता है कि वो पॉक से भी पहले का पैडी को पसंद करता है, इसीलिए उसने पैडी का ग्रुप ज्वाइन किया, जबकि उसका इंटरेस्ट किसी और क्लब में था। अब जबकि पैडी को पता चल जाता है कि मिस्टीरियस गाय कौन है, तो वो उन दोनों में से एक को चूज करके उन दोनों दोस्तों में लड़ाई नहीं डालना चाहती, इसलिए उन दोनों को इनकार कर देती है। पर बाद में उसे एहसास होता है कि उसने इनकार इसलिए किया क्योंकि वो असल में गेंट को पसंद करती है। जब गेंट को पैडी की फीलिंग्स का पता चलता है, तो वो रिवील करता है कि वो भी उसे शुरू से पसंद करता था और उसके लिए हायर स्टडीज के लिए भी नहीं जाता, जिसके बाद वो उसे रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है और फाइनली पैडी को उसका मिस्टर परफेक्ट मिल जाता है। इसी के साथ ये सीजन इसी हैप्पी मोमेंट पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।